Hello everyone, I am Soikat Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy. Search Engine Optimization ka playlist mein aaj ka topic hai How to use removal to remove already indexed URLs. Hum log isse pehle Search Console ka 3 episode kiya hua hai. Ek hai performance, dusra hai indexing aur third hai sitemap submission. अगर आपने ये तीनों एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करके पहले उन एपिसोड्स को देख लो ताकि आप इसका रेलिवेंट समझ में आए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आगे चल के जितना वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कैसे इंडेक्स्ड यूआरएल को हम सर्च कंसोल से रिमूव कर सकते हैं। तो हमने सर्च कंसोल में आ गया और इस रिमूवल को क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक यूआरएल सबमिटेड है, टेम्पोरली रिमूव यूआरएल, कब सबमिट किया गया था और इसका स्टेटस है टेम्पोरली रिमूव। हम इसको अभी भी इसको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो रिमूवल सेक्शन में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन टेम्पोररी रिमूवल। टेम्पोररी क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे जो नया रिक्वेस्ट देंगे वो यूआरएल सिर्फ 5 और 6 महीने के लिए ही इंडेक्सिंग से बाहर हो सकता है, इसलिए इसको टेम्पोररी बताया जा रहा है। अगर आपको परमानेंटली ब्लॉक करना है, परमानेंटली रिमूव करना है, कैसे करना है उसके लिए robot.txt का यूज करना है। अगर आपने robot.txt एपिसोड नहीं देखा है या आई बटन में हम इसका लिंक दे देंगे, वो देख लेना बाद में। नाउ हमें अगर कोई यूआरएल को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट डालते हैं। न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स आता है इसमें दो ऑप्शंस है, एक टेम्पोररीली रिमूव यूआरएल और एक क्लियर कैश्ड यूआरएल। टेम्पोररीली रिमूव यूआरएल में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे जो टाइप करेंगे सिर्फ वही वाला यूआरएल रिमूव होगा। ये एक यूआरएल है जो कि स्टैटिक वेबसाइट डिजाइनिंग वाला कोई अगर कोर्स है और हम लोग अगर ये नहीं सिखाते हैं, ये ऑब्सोलीट हो गया है, तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करने से सिर्फ यही यूआरएल इंडेक्सिंग से बाहर हो जाएगा। तो नेक्स्ट करके एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस यूआरएल इन ऑल ऑफ इट्स वर्सन www विदाउट www http एंड https, ये चारों वर्सन्स में ये वाला यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा गूगल सर्च रिजल्ट से। और ये आपको और एक बार क्यों पूछ रहा है, क्यों आपको बार बार बोल रहा है, आर यू श्योर? इसका मतलब ये है कि ये वाला टूल आप थोड़ा सावधानी से यूज करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे रिमूव यूआरएल पे कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपका साइट का एसईओ खराब हो सकता है और इतना दिन जितना काम किया था उसका जो एफर्ट है वो बेकार जा सकता है। सो ये वाला ऑप्शन यूज करने के आप पहले सीख लो कि हाउ टू प्रॉपरली यूज दिस। तो हम लोग इसको अभी कैंसिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला को समझते हैं। सपोज हमने HTML का जितना भी कोर्सेस था वो सारे अभी डिस्कार्ड कर दिया, तो क्या होगा? ये HTML के अंदर और भी कुछ URLs हो सकता है। अगर हम सिर्फ HTML तक रखते हैं इससे क्या होगा कि ये HTML के अंदर या HTML/ करके जितना भी URL होगा सारे URL यहां से
ब्लॉक हो जाएगा। ये ऑप्शन में सिर्फ एक यूआरएल ब्लॉक होता है और इस ऑप्शन में वो सारे यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा जिसमें ये है। नाउ कम टू क्लियर कैश यूआरएल। यहां पे ये यूआरएल गूगल सर्च रिजल्ट में आएगा लेकिन इसका सिर्फ कैश क्लियर होगा, जस्ट क्लियर करेंट स्निपेट एंड कैश्ड वर्सन अनटिल द नेक्स्ट क्रॉल। इसका मतलब ये है कि यूआरएल को पूरा ब्लॉक नहीं किया जाएगा, उसका सिर्फ जो कैश्ड वर्सन है वही नहीं दिखेगा। और यहां पे भी दो ऑप्शन दिख रहा है, एक रिमूव दिस यूआरएल और रिमूव ऑल यूआरएल्स विद द प्रीफिक्स। नाउ ये जो आउटडेटेड कंटेंट है ये है कि आपका साइट में ऐसा कोई कंटेंट अगर है जो कि आज का दिन में उसका रेलिवेंस नहीं है, वो सब कंटेंट अगर किसी ने फ्लैग करता है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। और ये सेफ सर्च फिल्टरिंग ऑप्शन में जो यूआरएल दिखता है उसमें एडल्ट कंटेंट्स रहता है, मतलब अगर आपका साइट में कोई एडल्ट कंटेंट रहता है और किसी ने उसको फ्लैग किया तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो इन दोनों टैब्स में अगर कोई यूआरएल नहीं है इसका मतलब है कि आपका वेबसाइट बिल्कुल सेफ है और खतरे से बाहर है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि डिसअवोव टूल को यूज करके कैसे हम लोग अनवांटेड बैकलिंक्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ है प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कॉलिग्स। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।